नमोतां नमस्तां नमो आयर्यां नमो वच्चायां नमो लोये सर्वसां नमो समय साराय स्वनो क्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षण मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंडार जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनी कामदम्मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपालुदेव श्रीमद् राजचंद्र जी रचित अध्यात्म महाकाव्य परम भक्ति भावना अपूर्व अवसर वो प्यारे अवसर। अब तक तो 7 लेक्चर हुए हैं, 3 कड़ियाँ पूरी हो गई हैं, अब चौथी कड़ी की बात चल रही है। कृपाल देव को आत्मज्ञान दशा थी 24 साल की उम्र से और 29 साल में इन्होंने पद बनाया अपूर्व अवसर का। ग्रस्त थे, बिजनेस करना पड़ता था, फिर भी भावना कैसी रखते थे, अंतर में अपने स्वरूप को देखा है, जाना है, पहचाना है, उसके आनंद की प्राप्ति भी हुई है, लेकिन प्रयत्न करने पर भी अंदर में स्थिर नहीं रह सकते हैं। अपने परमात्मा का कॉन्टेक्ट बार बार छूट जाता है, उपयोग बार चले जाता है और साधना नहीं चल रही है जैसी चलनी चाहिए। चाहते हैं कि हमारा उपयोग अंदर ही अंदर रह जाए, बाहर निकले ही, लेकिन उपयोग को खींच करके अपने स्वरूप में लाना ये भी तो पॉसिबल नहीं है। एक रजकण की एक परिणति की भी हेरा फेरी जीव नहीं कर सकता है, ऐसे का स्वभाव। लेकिन वस्तु का स्वभाव भले ही ऐसा है, लेकिन जीव को संपूर्ण शांति चाहिए, इसीलिए वो चाहना तो रख सकता है, भावना तो रख सकता है। कार्य जब होने वाला है तभी होता है, फिर भी भावना तो उत्कृष्ट बाई जाती है। इसीलिए ये जो काव्य है ये उत्कृष्ट साधना जल्दी से जल्दी हो ऐसी मंगल भावना इसमें बाई गई है। चाहते हैं कि मेरी साधना जो चल रही है इससे भी ऊंची साधना में मैं चले जाऊं, ताकि जल्दी से जन्म मरण का अंत हो जाए, परमात्मा पद जल्दी से मिल जाए, संपूर्ण शांति जल्दी से मिल जाए। पर्याय की हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, बाहर में भी किसी को हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन भावना गाने का अधिकार को अपना है, इतना तो करते हैं। इसीलिए भावना भाई मुनि पद की भावना भाई कहते हैं कि कब मैं महापुरुषों के पंथ पे जाऊंगा, ऐसा अवसर कब आएगा कि गृहस्थाश्रम छोड़ दूंगा और मुनि दशा धारण करूंगा, वन जंगल में मैं निर्वस्त्र चले जाऊंगा, सभी भावों से उदासीन वृत्ति हो जाएगी, एक समय देह को छोड़ना है लेकिन क्या करें, वायु कर्मों के अधीन है, परिग्रह को छोड़ सकते हैं लेकिन देह को नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए अब इस देह को संयम होवे, साधना होवे, इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। देह का और कोई महत्व भाव नहीं है, कपड़ा पहनाना, नलाना, धुलाना, दांत घसना, दांत घसना छोड़ो, ब्रश वगैरह बिना, मंजन बिना, सिर्फ हाथ से ऐसा कुल्ला करना वो भी नहीं होता, मतलब देह को
अपनी अंतर साधना में देह की थोड़ी भी हेल्प लेना चाहते हैं, क्या थोड़ी भी हेल्प नहीं चाहिए, ये तो क्या है निकाल नहीं सकता, इसीलिए बाकी इसकी थोड़ी भी हेल्प नहीं चाहिए ही नहीं है। अन्य कारण अन्य कसम कल्पे नहीं, देह पण किंचित मूर्छा न हो जाए। बीमार पड़े तो दवा लेने का विचार नहीं आता है, कहीं दर्द हो तो कोई दवा मिल जावे, ऐसे भी कोई सर में दर्द हो तो बाम लगा के दो या दबा के दो, कोई सेवा चाकरी करो, प्यास लगे तो कोई पानी पिलाओ, या कहीं से पानी नहीं मिले तो खुद जाकर के बावड़ी में से ले ले या तालाब में से ले ले, तो नहीं ले नहीं सकते। पानी भी दिन में एक ही बार पीना है, जब आहार लेने को जाते हैं तब, कभी कभी आहार लेने को ही नहीं जाते हैं, दस दिन चार दिन आठ दिन तक बिना खाए बिना पिए ऐसे ही जंगल में, जंगल में तालाब वगैरह होते हैं, प्यास लगे तो पानी नहीं पीते। इसलिए देह में अंश मात्र भी मूर्छा नहीं है, ये मेरापना नहीं है, देह एक भिन्न उपाधि है और उसको टाल नहीं सकते इसलिए रखने का साथ में, बाकी इस देह के साथ हमको कोई लेना देना नहीं। देह नहीं होगा तो भी आत्मा अपने ही ज्ञान शक्ति के आधार से साधना कर सकता है। ये भूख प्यास वगैरह क्यों लगती है, पूर्व में किए हुए अपराध की सजा है। नींद क्यों आती है, पूर्व में किए हुए अपराधों की सजा के कारण। बाकी आत्मा तो कभी सोता ही नहीं, वो तो जागते ही रहता है, आत्मा रात हो या दिन हो वो कभी सोता नहीं है, जानना 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 निरंतर चालू रहता है। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, वो कभी बंद होता नहीं। हम कामकाज बंद कर देते हैं, रात को अंधेरे में सो जाते हैं, शरीर ने काम करना बंद किया, उसको आराम की जरूरत पड़ी, आत्मा को आत्मा जागता है। जी हाँ, आत्मा के ज्ञान शक्ति से वो दिखता है, जो भी देखना जानना होता है वो आत्मा के कारण, मन के कारण आंख के कारण इंद्रियों के कारण नहीं। जानना देखना स्वभाव है, वो आंख का नहीं आत्मा का, चेतन का काम। चेतन नहीं है तो मुर्दा नहीं देखता है, मुर्दा सुनता नहीं है, मुर्दा चखता नहीं है, ये चेतन का ही कार्य है। आरोप फिर हम उसके ऊपर डालते हैं, देखो आंख ने देखा कान ने सुना, क्योंकि हमको शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा अनुभव नहीं है हमारा, जानकारी है लेकिन अनुभव नहीं है। शास्त्रों से पढ़ा है, ज्ञानियों से सुना है कि शरीर अलग आत्मा अलग, लेकिन हमको अनुभव नहीं है, तो हम जब देखते हैं या सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे आँख से देखते हैं कान से सुनते हैं, ऐसा कभी नहीं लगता है कि मैं डायरेक्ट अपने आत्मा की ज्ञान शक्ति से जानना देखना मेरा हो रहा है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को जानते नहीं। इसीलिए हमको आँख कान नाक की सबकी जरूरत पड़ती है, ये नहीं होंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे। लेकिन नहीं, आत्मा इतना कोई पंगु नहीं है, ऐसा ऐसा पामर नहीं है, वो परमेश्वर है, बिना शरीर के भी वो जिंदा रह सकता है, बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है, वो मरने वाला ही नहीं। आत्मा का कभी डेथ होता है ये हमारी कल्पना है, शरीर का साथ छूटता है ये बात ठीक, शरीर का संयोग होता है, शरीर का साथ छूटता है, पदार्थों का संयोग होता है, पदार्थों का साथ छूटता है, ये ठीक है, वो तो कुदरत का नियम है, सृष्टि की रचना ऐसी है, राजा हो या महाराजा हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, एक दिन को उसको शरीर को छोड़ करके जाना ही, ये तो सृष्टि का नियम है, उसमें कोई चेंज नहीं। तीर्थंकर का जीव हो तो भी उसको जाना पड़ता है शरीर छोड़कर, तो सृष्टि का नियम है, कौन अपना है दुनिया के अंदर। लेकिन आत्मा का देह हो जाएगा मेरा क्या होगा, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है, आत्मा मरती ही नहीं है, परमात्मा कैसे मरेगा, परमात्मा क्षणिक क्षण जीव थोड़ा है, वो शरीर के अधीन थोड़ा है, चेतन तो चेतन के आधार पे, वो अपनी जीवन को शक्ति के कारण जीता है। लेकिन क्योंकि हमने अपने स्वरूप को भूल करके शरीर आदि को अपना माना है, इसीलिए हम वो घड़ी नहीं चाहते हैं। कौन सी घड़ी,
मृत्यु की घड़ी। नाम सुनते हैं तो अरे ऐसा अशुभ मत बोलो, अशुभ बोलो, ऐसा अशुभ होगा ऐसा बोलते हैं। नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। डॉक्टर ऐसा कुछ बोले कि अभी बस बिस्तर पुटला पैक करो, क्या होता है, डर लगता है, सब छोड़ना पड़ेगा, ये बसाई नगरी अपनी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जीव गवारा नहीं करता है, अपनापन है इसलिए गवारा नहीं करता है, मोह है इसलिए, मोह नहीं है तो हम कहीं बाल गांव जाते हैं अच्छी से अच्छी ध्वज में उतरते हैं, फाइव स्टार अपने घर में वो नहीं है सुविधा, उतनी ज्यादा सुविधा है, वेटर लोग भी वहाँ साफ करते रहते हैं, अब बोलो क्या सेवा करूँ, लॉन्ड्री में कपड़े डालना है तो वो ये चाय पानी खाना पीना सब पूछते हैं, 8 दिन मजे में रहे बाद में निकलना होता है, कितना दुख तकलीफ होती है, अब घर वापिस घर जा रहे हैं, तकलीफ कितनी होती है, क्यों नहीं होती है कि वहां भले ही मौत शौक से रहे लेकिन कहीं भी अपना बन नहीं। ऐसे ही हम अपने संसार में नहीं रह सकते, रह सकते हैं लेकिन शर्त है, उसके लिए सबसे पहले अपने परमात्मा का शरण लेना पड़ेगा। जब ये परमात्मा का शरण मिल जाएगा ना तो हम अपने घर में भी इसी प्रकार से परायेपन से रहेंगे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई उपेक्षा नहीं, हम हमारी साधना में हम और हमारे प्रभु बस, और किसी से कोई लेना देना नहीं। शरीर को छोड़ नहीं सकते इसीलिए उसको साथ में है लेकिन उसमें मूर्छा नहीं है, अंश मात्र भी लगाव नहीं, अपनापन नहीं। दर्शन मो व्यतीत थई उपजे बोध जे, देह बिन केवल चैतन्य नो ज्ञान जे, तेथी प्रक्षीण चारित्र मोह विलोपी। आत्मज्ञान के बाद भी जो राग द्वेष की मात्राएं हैं, ग्रोह दशा है, श्रावण दशा है, उसमें तो इन भावना बातें हैं कि मैं निरंतर उनका अवलोकन करूं ताकि वर्ते एवं शुद्ध स्वरूप नु ध्यान, मेरी ध्यान की स्थिरता बढ़े। देखो अवलोकन ध्यान में हेल्पफुल है, अपने परिणामों का अवलोकन करने से पर्याय बुद्धि नहीं होती, पर्याय दृष्टि नहीं हो जाती है। पर्याय दृष्टि माने किसको बोलते हैं, पर्याय का ज्ञान पर्याय दृष्टि नहीं है, ये गलत है भी। नहीं पर्याय को क्यों देखना, आत्मा कोई नहीं देखे उसके बदले, भाई देख सकते हो तो बढ़िया है देखो, नहीं वो अंदर आत्मा में भी दृष्टि नहीं आती है, पर्याय को भी नहीं देखना है तो भैया तुम किसको देखोगे, फिर तो तुम्हारी नजर कहाँ गई, अपने आत्मा पे नहीं है, अपनी अवस्था पे नहीं है तो कहाँ है नजर, फिर ये तो बाउंड्री के बाहर है कि शरीर परिग्रह ये सब दिखेंगे, शत्रु मित्र दिखेंगे, वहां नजर रखना अच्छा लगता है लेकिन पर्याय पे नजर नहीं रखना, पर्याय की बात नहीं करना है, हमको अवलोकन नहीं करना है, हमको डायरेक्ट भेद ज्ञान करना है। भैया कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, उसी की बात है, अगर तुमको भेद ज्ञान करना आता हो और पर्याय को देखे बिना डायरेक्ट तुम अपने आत्मा को देख सकते हो, सोने में सुहागा है क्या, मतलब पर्याय अपने ही आत्मा से परिणमन अवस्था, अपनी अवस्था में देखना पड़ता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, और हम पर्याय को ऐसा समझते हैं कि हम देखेंगे तो हम फिर परमात्मा की दृष्टि छूट जाएगी, हम पर्याय जितना ही अपना अपने को मान लेंगे, पर्याय को देखना और अपने को मानना वो दोनों अलग अलग है। पर्याय को पर्याय का ज्ञान करना इससे ऐसा नहीं है कि हम उसको अपना मान लेंगे अगर हम अलर्ट रहेंगे तो, लेकिन ये समझते नहीं पर्याय को देखेंगे तो अपना माने भी ना रहेंगे नहीं, इसलिए देखना ही नहीं पर्याय को, सीधा डायरेक्ट आत्मा को देखो, वो तो आत्मज्ञान होने की बात की बात बात इसके पहले की चल रही है, वो तो सिम्टम है कि हमको कैसे मालूम पड़े कि हमको आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, कर रहा अवलोकन, अगर अवलोकन में रह सकते हो जैसे पहले रहते थे इस प्रकार से तो समझना अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अब आप अपने विचारों का अवलोकन करो,
कोने में बैठ करके 15 मिनट करके देखो, मालूम पड़ता है कि विचारों को देखने जाते हैं तो विचार आते नहीं है, और आते हैं तो भी हमको देखना नहीं, और सीधी नजर कहाँ चले जाती है, ले परमात्मा इसके बंदे चले जाते हैं। 15 मिनट भी वो अपना अवलोकन ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन वो ये सिम्टम है कि उसको आत्मदर्शन हुआ है। कोई कहने से कैसे माने, हम खुद ही अपने को देख ले, चेक कर ले। और अगर आत्मदर्शन नहीं हुआ और अवलोकन करता है तो भावना वाला जीव अवलोकन कर सकता है, कंटिन्यूस भी रह सकता है अवलोकन, लेकिन आत्मज्ञानी का अवलोकन कंटिन्यूस नहीं रहता, ये सिम्टम है। तो आगे स्थिरता, ध्यान की स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या करना, बार 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 पर्याय को भी विलोकना, माने देखना कि देखो अभी भी आत्मज्ञान के बाद भी तुझे कितनी कितनी जगह मोह है, कहाँ कहाँ राग द्वेष हो रहे हैं, कहाँ कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ कहाँ अच्छा लगता है, चेक करो। क्या फायदा होगा इससे, हमको अपनी वर्तमान कंडीशन का स्थिति का भान होगा, और हमारा गोल तो पूर्ण शांति का है, और वर्तमान स्थिति में तो अशांति है, इसीलिए जीव अशांति में रहना नहीं चाहता है, तो पुरुषार्थ तो अपने आप होगा। क्या कर सकते हैं, रुचि को बदल सकते हैं, आत्मज्ञान होने के बाद भी जो संसार में रुचि है उसको बदल सकते हो, जिन जिन पदार्थों में रस है उनको हटा सकते हो, नहीं हटा सकते, फिर क्या कर सकते हो, कि दिशा नहीं बदल सकते, दशा बदल सकते हैं। क्या उपाय है रुचि छूटने का, रुचि को नहीं हटाना, हमको हट जाना है। क्या करना है, वेद ज्ञान करना है, पर्याय का अवलोकन विलोकन सम्यक प्रकार से जानना। जरूरी नहीं इससे हम पर्याय बुद्धि वाले हो जाएंगे, पर्याय जितना ही अपना मान लेंगे, देखने से उल्टा स्वभाव की दृष्टि हो जाएगी। कैसे, क्योंकि मेरे परिणाम शोभा देने वाले नहीं, मेरे परिणाम बहुत गलत है, परमात्मा मिल गया फिर भी छोटी छोटी बातों में मैं राग द्वेष कर लेता हूँ, ऐसा करके उसको अपने आप पर जो प्रॉब्लम है ना, जो उसका इतना दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मुझे इतनी बड़ी सिद्धि हासिल हुई है फिर भी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम में मैं हार जाता हूँ, इस बात का दुख, मूल प्रॉब्लम नहीं, मूल प्रॉब्लम का इतना दुख नहीं, प्रदादी भाव है इसका इतना दुख नहीं, दुख इसकी बात, इस बात का है कि मेरी साधना में इतनी कमी क्यों है, कभी भी मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, अपने घुटने टेक देता हूँ, जब एग्जाम का टाइम आया तब बीच तब मैं परीक्षा में पास नहीं होता हूँ, फिर मुझे परमात्मा के दर्शन हुआ तो क्या फायदा हुआ, ऐसे अपने आप को गिल्टी फीलिंग होती है और शर्म से सर झुक जाता है, इसका दुख बहुत लगता है कि फुल कैपेसिटी होने के बावजूद, परमात्मा शक्ति होने के बावजूद हम छोटे छोटे प्रसंगों में ऐसे लचपच जाते हैं और इतने द्रावेश कर लेते हैं कि हमको दूसरे को नहीं, हमको खुद को हमारी अपने आप के ऊपर एक तिरस्कार होती, एक शर्म जैसा महसूस होता है, क्या इतनी सारी डिमांड है, अभी भी अभी भिखारी बना नहीं गया, ऐसा हो जाता है। परिणाम का अवलोकन से शुद्ध स्वरूप का ध्यान स्थिरता बढ़ती है, ये कहना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि भले ही मुझे आत्मज्ञान हो गया फिर भी ये चारित्र में बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बार बार उनका विलोकन मैंने अवलोकन करूँगा ताकि शुद्ध स्वरूप का ध्यान वृद्धिगत हो। अब फोर्थ नंबर पॉइंट जो दो लाइन चला था अभी और आगे, आत्मस्थिरता तरण संसिद्ध योग ने, आत्मस्थिरता तरण संसिद्ध योग ने, पणे तो वर्ते देह पर्यंत तो
आत्मस्थिरता क्रम संक्षिप्त योग चाहता है जीव आत्मा में ही नींद रहना, ऐसी साधना हो फिर भी अगर उपयोग बाढ़ जाता है तो साधना बढ़े इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सहारा लेना होता है। मन वचन काया का, मन वचन काया का इस्तेमाल तो ही करना है। जब हम अंदर में साधना में आगे लगातार नहीं रह सकते तो साधना को वापिस रिस्टार्ट करने के लिए मन वचन काया का इस्तेमाल करना। मन वचन काया, मन का इस्तेमाल दूसरों को समझाने के लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए चिंतन मनन नहीं। असल में तो मन का सहारा लेना ही नहीं, मन वचन काया एक ही योग है। अगर आत्मा का ज्ञान अपने आत्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता है तो और उपयोग बाहर आता है तो मन कुछ न कुछ सोचेगा, लेकिन वो मन को इतना संक्षिप्त कर लेना है कि वो अपने आत्मा की स्थिरता कैसे बढ़े उसका ही चिंतन करे, किसी और का चिंतन न करे। भविष्य के प्लानिंग, भूतकाल का अफसोस, भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमिरन, ये मन को तो फिर क्या है, पुराने में याद आता है ऐसा था, इतना छोड़ के आया, वो करके आया, ये सब याद आता है कि नहीं ये याद नहीं करना। मन का इस्तेमाल वर्तमान में अपनी आत्मस्थिरता कैसे बढ़े उस हिसाब से उसी प्रकार से उसका उपयोग करना है। असल में तो करना नहीं है, अगर करना पड़े तो की बात। और वो कब करना पड़ता है, जब उपयोग अंदर में लीन नहीं रहता है तब। तो उसकी मर्यादा क्या, मन को कौन सा काम देना है, मन को वो काम देना है, ऐसा काम देना है ताकि हमारे टूटे हुए तार है वापिस जुड़ जाए परमात्मा के साथ। दूसरों का चिंतन मनन, मंदिर बनाना है वो करना है, चंदा इकट्ठा करना है, शास्त्र छपवाना है, वो करना है, दमाल वो नहीं होता है, साधुओं को नहीं करता है, साधुओं को काम नहीं। आत्मस्थिरता बढ़ाने की ही बात, दूसरी कोई बात नहीं, अपनी वो अपने लिए काम सोचना है। अगर उपयोग बाहर है तो बारह भावना का चिंतन होता है, असरण भावना, नित्य भावना आदि जो भावनाएं होती है बारह, उसका चिंतन चलता है। और ये चिंतन के माध्यम, चिंतन भी इसीलिए करना है ताकि हमारा उपयोग वापिस अंदर चले जाए, दूसरा कोई हेतु नहीं, दूसरा कोई मन का कोई हेतु नहीं। इसी प्रकार के काया का भी ऐसा ही है, काया का भी अगर समझो पद्मासन में बैठे हो, खड़गासन में बैठना है, ऐसा कुछ करना है तो क्या करना है कि ये जो चेंजेस किए मुद्रा के अंदर पद्मासन में से खड़गासन में आ गए, वो चेंजेस स्थिरता बढ़ाने के लिए करना है, आराम के लिए नहीं। कि नहीं अभी अकड़ गए होंगे बैठे बैठे तो फिर मैं जरा मैं थोड़ा तेल हूँ तो थोड़ा शरीर को ठीक रहे, शरीर को ठीक नहीं रखना है। बैठे हैं तो उठे हैं तो भी आत्मा में स्थिरता बढ़े इसीलिए, खड़े हैं और बैठे हैं तो भी आत्मा की स्थिरता बढ़े, अंदर का ध्यान अच्छा लगे उसीलिए। झाड़ के नीचे बैठे हैं लेकिन झाड़ को टेका लेके नहीं बैठते हैं मुनिराज, झाड़ भी एक जीव है, उसको ऐसा लगा लगा के नहीं बैठते। अपने को झाड़ में जीव लगता भी नहीं लगता है, उनको झाड़ में जीव लगता है, कितने जीव हैं, मैं ऐसे टेका लूंगा तो उनको दर्द होगा नहीं, ऐसे में शरीर के आराम के लिए नहीं बैठना है।
हम जंगल में शरीर के आराम के लिए नहीं गए। अगर शरीर का आराम है तो ये महिला में पलंग वगैरह थे ना अच्छे, वहां भी ध्यान कर सकते हो। कुछ छोड़े कि पलंग वगैरह सिंहासन पे बैठे थे, राजगद्दी के ऊपर लोग खमा खमा करते थे, टामर डालते थे, पानी मांगो तो दूध मिलता था। हम शरीर के आराम के लिए थोड़े गए, आराम कुर्सियां में, ये कुर्सियां में, वो कुर्सियां देखे तो दिमाग खराब हो जाए। एक सोफा 15,000 रुपये का, भाई क्या है कुर्सी के अंदर, इतना कुर्सी थी 15,000, क्या है नहीं इसमें देखो ये बटन है दबाओ ऐसा खुल जाएगा, पैर लंबा करके और आराम से ऐसा बैठ सकते, आराम के पैसे हैं। लोगों को इतना शरीर को कितना संभाल के रखना है, लूटने वाले भी ऐसे हैं। ये जब दिखते हैं तब उनकी भावना इतनी उत्कृष्ट है, तब उनकी साधना क्या होगी कि मन वचन काया, मतलब हर शब्द जो अनुभव से लिखे हैं, मन वचन काया का भी उपयोग मुझे नहीं चाहिए। आत्मस्थिरता बढ़ाने में ही बाकी को इस्तेमाल करना ही नहीं। कितने सेल्फ सेंटर्ड है, देखो शरीर का भी ख्याल नहीं है, मन का भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल स्वार्थी एक मिनट नहीं, कितने स्वार्थी है कि अपने आत्मा का कल्याण हो तो वो सोचना है, तो सोचना भी नहीं, जाओ उठना बैठना चलना फिरना वो अपने आत्मा की स्थिरता बढ़ती है, अंदर में ध्यान जमता है तो क्रिया करना है, तो क्रिया ही नहीं करना। कितने खुदगर्ज, किसी की परवाह नहीं, दूसरे कुटुंब परिवार की परवाह नहीं करे चलता है, लेकिन जब तक शरीर है साथ में तब तक कम से कम ये मकान मालिक की तो सेवा करो। मकान मालिक का मेरा क्या लेना देना, क्या मकान मालिक की कृपा से मैं नहीं रहता हूं, मुझे तो रहना ही नहीं, लेकिन क्या करें, मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रखा है, जब तक आयु से पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुझे हकालने वाला नहीं, अब क्या करें। वो मकान मालिक की मजबूरी है कि मेरे साथ उसको रहना पड़ता है, शरीर की मजबूरी है कि मेरे साथ उसको रहना पड़ता है, मुझे नहीं रहना है उसके साथ। मैं तैयार हूँ अभी, अगर आज भी छूटने को तैयार है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे को क्या करने का इसके साथ, रहता है उसी मकान के अंदर और जरा ही परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आत्मा की परवाह करते हैं। ये है शांति का मार्ग, और हमको शांति चाहिए, लेकिन वो ठीक रहे तो इसका मुंह नीचे नहीं गिरना, उसको वो बराबर ठीक से बात करना, वो उदास नहीं रहना, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना, की बात चलती है भैया, एक ही इधर काम करते हैं ऑफिस में, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ऐसा कैसा रह सकते हैं, ये सब अच्छा अलग हो जाना अच्छा, एक ही घर में रहते हैं और बातचीत करते नहीं, कोई किसको जैसा आया ऐसा कर लेता है, कोई कोई किसी को पूछता नहीं, कोई कुछ करता नहीं, कम्युनिकेशन गैप, भाई हमने कौन सी गलती की बताओ, क्यों बात नहीं करते, बात नहीं करते प्रॉब्लम। और यहाँ तो अपने शरीर के साथ भी ऐसा रहना है कि अगर वो अपने साधना में हेल्पफुल है ओके, बाकी शरीर का कोई शरीर की भी गरज नहीं, ये शांति का मार्ग है, ये बताता है कि सिर्फ आत्मा में सुख है। हम तो सिर्फ बातें करते हैं आत्मा में सुख है, बाहर कहीं नहीं, लेकिन प्रेम तो सारी दुनिया के साथ पड़ा है। अभी देखो उन्नति में कितना, आश्रम में कितना, श्रद्धा की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, बात किसकी चल रही है, ये सब्जेक्ट जो है मुनि दशा का सब्जेक्ट, वो क्या का सब्जेक्ट है, श्रद्धा का सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है आश्रम का सब्जेक्ट। ज्ञान दशा के बाद भी कितनी गुलामगिरियां हैं हमारे, नहीं हमारे सामने रहना है तो ऐसा मुंह लगा कर नहीं नहीं रहना, अच्छा मुंह आपके रहो, हंस खुश के रहो, मायूसी से नहीं रहना, उदास नहीं रहना, अजब हो गया। कोई उदास घर में रहे तो अपने को तकलीफ, इतना क्यों अटैचमेंट शरीर के साथ, जहाँ अटैचमेंट नहीं है मुनिराज को, मन का भी इस्तेमाल
कब करते हैं, मनोवचन काया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, साधना में हेल्पफुल है तो नहीं तो मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं, ना शरीर की जरूरत है, ना मन की है, ना वचन की है। साथ में रहना है तो तुम्हारी गरज से रहो मेरे साथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है तो तूने भी किया है क्या, मैं अकेला भागीदार नहीं, मैं तो मेरा भुगत ही रहा हूं, अब तुझे भी भोगना है तो भोगो, तुझे खाना नहीं मिलेगा, मेरी मर्जी दूंगा, जब देना होगा तब दूंगा, नहीं तुझे से लेट ना होगा, मेरी मर्जी, अब तक तेरी मर्जी से चला हूं। देने माटे जीव अनंत भव गुमा गया, देने अर्थे आ जीवे अनंत भव मां चक्कर भव मंथन, लेकिन एक देने मा आत्मा ने माटे जो एक देह व्यतीत था है, तो अनंत भव नु साटु बढ़ी जैसे कृपा हो जाता बच्चे। हमने शरीर के लिए कितने कितने जन्म मरण किए हो, शरीर में प्रेम रख करके फिर भी अपना नहीं हुआ ना, अभी इस भाव में मेरी ताकत चलेगी तेरी नहीं चलेगी, इस भाव में मैं बोलू ऐसा, डॉक्टर बोले ऐसा नहीं, तू बोले ऐसा भी नहीं, तू डिमांड करे ऐसा नहीं, मैं तुमको जो देना चाहूंगा दूंगा, नहीं देना चाहूंगा नहीं दूंगा, मैं शेर हूं अब तू शेर नहीं है, बहुत चला नहीं हुकूमत, बहुत मुंह में अंधा करके मेरे को घुमाया भटकाया धोखा ही लिया, मैं पागल क्या आता है वो रमा को बहुत पसंद था, वो जुनू तो थे पिंजर उसमें आत्मधारा में है ये गीत बहुत बढ़िया गीत है, रमा को बहुत पसंद था कि चेतन और काया का संवाद है उसके अंदर, तो चेतन बहुत प्रेम करता है काया के साथ, मैंने तुझे इतना खिलाया पिलाया तुम थोड़ा तो शर्म रख, मैंने थोड़ा तो बोला था मेरी सेवा कर कर ऐसा कर, तूने अपने मुंह के कारण किया है, मेरे को खाना खिलाया तो कोई एहसान नहीं किया है, मेरे को नलाया धुलाया तो कोई एहसान नहीं किया है, कौन बोलता है, शरीर बोलता है, मेरे में तो वो ज्ञान भी नहीं है कि तू मेरे अंदर रहता है क्या, मैं तो जड़ हूं मुझे कहां ज्ञान है, ये तू कहता है तेरी बात कौन सच्ची मानूंगी, जरा भरोसा नहीं है शरीर को अपना, जरा भरोसा नहीं, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक दिन तमाम कितने घंटे पीछे लगते हैं, कुछ भी हो ठीक भी आए ना तो टेंशन हो जाता है, चलो डॉक्टर के पास, देखो इन मुनिया को तो अपने प्लेस से उठना भी है अगर तो आत्मा की ध्यान की स्थिरता बढ़ती है तो उठना है, नहीं तो उठना भी नहीं, चाहे जितनी भूख लगे प्यास लगे कुछ भी हो, आज मर कल मरता हो तो आज ही मरे, अगर सही कल मरता हो तो भले ही ना आज मर जाए, क्या करने का मेरे को उसके साथ, अनंत भव बिता है मैंने इसके पीछे पागल होकर के मोह में अंधे होकर के, दिन रात सुबह सुबह से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार, असूची जड़ काया में उसमें है कड़ी कड़ी में भूल जा रहा हूँ, अत्यंत असूची जड़ काया से इस चेतन का कैसी कैसी बातें, पागल है हम, परमात्मा कहने के लायक है परमात्मा तो है, लेकिन हमको अगर कोई परमात्मा कहे तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि हमारे काम देखो तो भिखारे से बदतर है, कोई बहुत बहुत तो प्रेम करेगा तो किसके साथ करेगा, अपनी जाति बिरादरी वालों के साथ प्रेम करेगा संबंध रखेगा, इस पागल ने ऐसा काम किया है कि खुद चेतन होकर के भी किसकी संगति की, मां मूर्ख नहीं तो संगति को कुछ बोलता नहीं है क्या, उसकी कोई डिमांड नहीं, इसकी ही डिमांड है, मैं तुझे अच्छा नलाऊं धुलाऊं शैंपू ये सब खाना पिलाऊं, तुझे कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, चेतन है ये तो, चेतन कहने के जड़ से भी गाया पिता है, जड़ जड़ की दोस्ती नहीं करता है, करता है लेकिन ये चेतन मूर्ख जड़ की दोस्ती करता है, लेकिन मुनिराज की साधना तो बहुत जबरदस्त, समझ गए
मैं बहुत मैं मेरी कमजोरी के कारण राग के कारण कैसे भी करके मैं तेरे सांसे में आ गया था, असल में तेरी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी, तूने मुझे नहीं फंसाया, मैं मेरे अज्ञान ने मुझे तेरे साथ ऐसा बांध लिया, ऐसा प्रेम करवाया कि तेरे पीछे मैं फंस गया, ढेर सारे राग द्वेष किए और अपने आप को डुबाया, आज मेरी आंख खुल गई, देख अब मैं तेरे पीछे नहीं हूं, तुझे मेरे पीछे रहना है, भूखा पैसा रहना है तो रहे, मेरी मर्जी होगी तो आहार लेने के लिए जाना है नगर में, वो भी तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा, चलना तुझे ही पड़ेगा, देखो पहाड़ों से नीचे उतरना, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, शहर में आना, पहले ही घर में जाना, वहां कुछ दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ही दूसरे घर में जाना, नहीं मिला तो वापिस 2 घंटा चल करके वापिस आ जाना ठिकाने, लेकिन खबरदार खाना खाना ऐसा आग्रह रखा है तो क्या आग्रह नहीं, अभी आए हैं 2 घंटा इधर चढ़ करके, अब ये घर में नहीं मिला दूसरे मिले तो तीसरे में खाना खाते ही जाएंगे, नहीं खा सकते तो अगर तेरे लिए खाना बनाया है ना सावक ने और तुझे मालूम पड़ गया है, मुझे मालूम पड़ गया तो मैं तुझे खाना खाना नहीं दूंगा क्या, मुनिया की शरत देखो कि निकला तो हूं मैं तुझे कुछ डालने के लिए, हेल्प करने के लिए, तुझे जिंदा रखने के लिए, तूने बहुत रिक्वेस्ट की ना तो चलो मेरी मेहरबानी हुई, चलो अब जाएंगे, तुझे ही चल के जाना है, लेकिन आग्रह नहीं रखना, अगर मुझे भनक भी लग गई कि श्रावक ने मेरे लिए तेरे लिए खाना बनाया है स्पेशल उद्देश्य कहा आ रहे हैं, मैं सजा दूंगा, तुझे खाना नहीं दूंगा, वापिस आना पड़ेगा, तुझे क्या बादशाह है वो, क्या साधना होगी, ऐसी साधना की भावना था, खबरदार अगर मन ने कुछ तेरी मेरी बात सोची तो काया ने कुछ साधना के अलावा मेरे आत्मा की फिक्र किए बिना दूसरा कुछ डिमांड किया तो काया डिमांड नहीं कर सकती, मन कुछ दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता, मैं बोलूं कि भगवान के बारे में सोच तो सोचना, नहीं बोलूं तब तक तू मेरे बारे में सोचना, मन को भी वो ऑर्डर, गुरु के बारे में भी मैं अगर ऑर्डर दूं तो तुझे गुरु के बारे में सोचना है, मतलब तुझे गुरु के बारे में भी नहीं सोचना है, खबरदार होता है, कैसी साधना होगी, कितना कंट्रोल, आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, मुख्य पर्य तो दर्ते देह पर्यंत जो, क्योंकि नजीक में इसको निकाल नहीं सकते ना, बस इसीलिए बहुत बहुत अगर हद से ज्यादा गया है अपने आत्मा के बारे में सोचना है बहुत बहुत, तो इससे ज्यादा गया तो साथ में जो ये है ना पार्टनर, लाइफ पार्टनर ये है असल में, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना, वो भी उसके फायदे के लिए नहीं, अपनी आत्मस्थिरता बढ़े इसलिए, इसको खाना खिलाना है तो अपने घर से खिलाना है, इसको पेट में डालना है दो रोटी भी तो इसको अच्छा रखने के लिए नहीं, वो बीमार न पड़ जाए इसलिए नहीं, बीमार पड़ा तो पड़े, लेकिन मेरे को तो इससे बहुत से काम करवा लेना है क्या, इसलिए जीने की न हो वांछा, मरने की न हो, जिंदा नहीं रहना है लेकिन मरना भी नहीं, इससे काम करवा लेना है, बहुत धोखा दिया है इसने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे खाना पिलाऊंगा मेरी गरज के कारण, मुझे पानी पिलाऊंगा मेरी गरज के कारण, मुझे पालने पोसने के लिए नहीं, क्या एक सीनियर चेंज हो गया, पहले शरीर राज करता था और आत्मा मरती थी, अब चेतन राज करता है, उसको साथ में रहना है तो रह, नहीं रहना है तो परवाह नहीं है भैया, तू नहीं तो तेरा भाई दूसरा मिल जाएगा मेरा, क्या क्या डेथ होगा तो आत्मा मर जाता है, दूसरा मिल जाता है शरीर, कपड़े पुराने फेंको नया ले, क्या बादशाही होगी, क्या इसको बोलते हैं ये नाम शोभा पाता है साधना,
ये पंच परमेष्टि में नाम क्यों है इनका, इन्हें आपका प्रत्यक्ष आंखों से दिखती है साधना, जड़ उनके पीछे पड़ा है, चेतन को जरा भी गरज नहीं है जड़। ये फर्स्ट टाइम इन लाइफ में ये चेंज आया, जब मुनि बना तब उसका असली रूप मालूम पड़ा परमात्मा कैसा होता है। अब तक तो भीख ही मांगते रहा शरीर से, जरा कुछ हुआ उसकी दवा लो, वो करो ये करो, खाना खिला टाइम पे, नींद लो, नींद तो गुना है एक प्रकार से, नींद लेने माने क्या बेहोश हो जाना जानबूझ कर। साधना कल मैंने पढ़ा परसों पढ़ा था, साधना अगर अच्छी चले तो नींद कम कम लेना है, जागते रहना है। हाँ साधना अगर अच्छी नहीं चलती है, पाप की प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो सो जाओ ताकि पाप कम होंगे। देखो कैसी व्यवस्था कैसी है, तो आप लंबे होकर के सो जाओ, गोली लेकर के सो जाओ ताकि पाप कम होंगे। क्यों? कि नींद में कसाए होते हैं लेकिन मंद होते हैं, जागोगे तो ज्यादा पाप करोगे। लेकिन अगर आपकी साधना अच्छी चलती है, आराधना चलती है, सोने का नाम क्यों लेते हो? नींद को सोए जाने दो, आप सोने की फिक्र मत करो, नहीं नहीं सो जाए तबियत खराब हो जाए, खर्च हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको नहीं सोना है, चला करके नहीं सोना है, आपको जागते रहना है, चिंता नहीं करना है कि मेरे को नींद क्यों नहीं आती, जागते रहो, साधना करो, ये अवसर मिला है इसका उपयोग कर लो। एक एक बात हमारे समझ से बाहर रहती है, ज्ञानियों की एक एक बात होती है कोई अलग ही प्रकार की होती है, उनके मापदंड भी कोई अलग है। नहीं नहीं आप बीमार पड़ोगे साधना नहीं कर पाओगे, ऐसा भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान की बात करते, क्या मथा थनक जाता है तो आपको कंपल्सरी 10 घंटा नींद लेनी है, मेरा तो दिमाग वहीं ऑफ हो गया, इन डॉक्टरों के पास जाना है तो नहीं जाना, कब सोते हो 11:30, कब उठते हो 6:30, 7 घंटा 8% को नींद, मिनिमम आपको 10 घंटा नींद लेना, इससे कम चलता ही नहीं। ये मत करो, छात्र मत पढ़ो, डायरी मत लिखो, डायरी मत पढ़ो, कुछ भी मत करो, अच्छा है कि शरीर को रख के क्या करना है, ये डॉक्टरों की लैंग्वेज है। मेरे को तो वाइन अच्छा नहीं लगता, 10 घंटा नींद, और सही में भी ट्राई करने पर भी नहीं कर पाया, वो काम मेरे से नहीं हुआ, उन्होंने सख्त ऑर्डर दिया था, ये तो कंपलसरी है आपके लिए, और जितना जोर से बोला ना उतने जोर से मैंने बहुत ट्राई करने पर भी नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। समझ में आ गया कि साधना करने वाले के लिए पॉसिबल नहीं है कि नींद ज़्यादा ले, नेचुरल नींद आए तो सो जाना है, तो आग्रह नहीं रखना है कि नहीं सोना है, लेकिन हमको चला करके नींद बिल्कुल नहीं लेना। मुख्य पणे तो वर्ते देह पर्यंत जो कोर परिसर, ये भूख प्यास मच्छरों के दांस, ये वगैरह जो होते हैं ये परिसर, गर्मी पड़ना ठंडी पड़ना ये सब जो होता है, थकान लगती है, दर्द कहीं पैदा हो जाता है बैठे बैठे, पैर सुन्न हो जाते हैं, कमर में दर्द, सर में दर्द, ऐसा कुछ भी शरीर में रोग आदि हो जाए तो ये सब क्या है, ये परिसर, जमीन चुभे चुभे कांटे चुभे, ये सब परिसर। कैसे परिसर? गोर परिसर। गोर परिसर माने क्या? गोर का मतलब क्या? कि हमारी कल्पना में नहीं हो गए इतने भयंकर तकलीफ हो गई, तीव्र एकदम तीव्र वेदना वाले, मामूली मामूली नहीं, एकदम तीव्र, ऐसे भूख लगे तो वैसे लगे जैसे जान जान निकल जाएगी अभी खाना नहीं दिया, प्यास लगे तो ऐसे लगे जैसे अभी खलास खत्म, ऐसा तीव्रता तीव्रता वाले परिसर भी तीव्र हो, गोर परिसर के उपसर्ग भय करी। उपसर्ग तीन प्रकार के, मनुष्य कृत होते हैं, देवकृत होते हैं और तीजन कृत होते हैं, तीन प्रकार के उपसर्ग। उपसर्ग में मान क्या होता है कि हम साधना करते हैं और कोई मनुष्य जो हमारा दुश्मन था भूतकाल में, चाहे वर्तमान में चाहे भूतकाल के भवों में, कहीं
वो यहाँ से अपने को देखता हो उसको अचानक अपने से क्रोध हो जाता है, बिना वजह हमको मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है, क्या साधना करते हैं तो ढोंगी बैठा है देखो, ऐसा करके वो अपने को गलत आरोप लगा हुए, ऐसा बहुत कुछ करे बिना कुछ वजह, बिना हमारा हमने कुछ नहीं किया है फिर भी ऐसा करे, ये मनुष्य क्रोध है। देवदूत भी होते हैं हमारी साधना में, विक्षेप हो गया, अवसर आया करके नाक में लग जाए, या कोई हमको बांध दे वे, ऐसा कर ले जबरदस्ती कुछ, ऐसा डराने का, धमकाने का, पत्थरे डालने का, पानी बरसाने का, ऐसे कोई देव आकर के हैरान करे अपने को, ये देवकूट है। और जानवर कूट करता है, तो जंगल में गए ही है उसे ये समझ के ही गए ना, वाघ शेर या जो भी सर्प होते हैं, अजगर होते हैं, बिच्छू होते हैं, क्या ऐसे बहुत से जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े सब दंश देते हैं, कोई काटते हैं, कोई क्या क्या भी करते हैं, सब किसी को हटाने का नहीं, एक को ये सुकुमार चरित्र है अपने पास, ध्यान ध्यान करे थे तो फॉक्स होते हैं ना, फॉक्स फॉक्स का पूरा परिवार 8-10 जनों का, उनको बहुत भूख लगी थी तो पैरों को खाने लगे, ये खड़े थे ध्यान में, पैरों को खाने लगी, पूरा खा गए, वो गिर गया, 3 दिन तक खाया उनको जिंदा नोच नोच के, लेकिन उन्होंने साधना में से अपना दिल को नहीं हटाया, आत्मा में ही रहे, बाहर से शरीर खाते जा रहे हैं, 3-3 दिन तक कोई अपना पांव खा जा रहे, कोई टच भी करे ना चीटिया की कीड़ा मकोड़ा, सिर्फ टच करे ना तो भी हम उसको झटक के हटा देते हैं, ये तो चबाते हैं खाते हैं, और अपना फोटो भी है अपने पास और कहानी भी है सुकुमार चरित्र, और 3 दिन तक ऐसा खाते खाते एक बार सारे कितों की पैरा पूरे कट गए थे चबा के खत्म, तो गिर गए खड़े पोजिशन में से ऐसे गिर गए, फिर भी ध्यान नहीं होता, ध्यानस्थ अवस्था में उनका केवल ज्ञान हो आया ऐसे उत्सर्ग में, यहाँ आत्मा की साधना पूरी हुई, सारे कर्म खत्म हो गए, वहाँ शरीर का खात्मा हो गया, उत्सव के लिए सुकुमार चरित्र का रामचंद्र जी को उपसर्ग आया, सीता जी ने उपसर्ग किया, उसका अलग ही प्रकार है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जब ध्यान में बैठ गए तो मुनिराज की टॉप लेवल की साधना कर रहे थे, तो सीता जी स्वर्ग में थे, उन्होंने बोला कि ये साधना करेगा तो मैं इनके बिना कैसे रहूं, मैं तो ये चाहती हूँ कि मोक्ष में न जाए, अभी मोक्ष में जाने से पहले ही उनका देहांत हो जाए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये स्वर्ग में आएगी, स्वर्ग में हम दोनों के साथ में रहेंगे, प्रेम था ना देखो एक दूसरे का, फिर हम दोनों साथ में वापिस मनुष्य गौ में जा करके दोनों साथ में साधना करेंगे, और जब मैं मोक्ष जाऊँ तभी उनको मोक्ष जाना, पहले नहीं जा सकते, इसीलिए क्या किए उन्होंने कि वो है तो देव की देव है वहाँ स्वर्ग में सीता जी का, लेकिन उन्होंने सीता जी का रूप लिया क्या, और कई प्रकार की देव देवताओं के साथ आकर के रामचंद्र जी के सामने या मुनि अवस्था में थे तब उनको काम वासना के लिए प्रेरित किया कि मैं वापिस आ गई हूँ, आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ करके, आप क्या आत्मा का करते हो, कैसा भी आपका मोक्ष तो निश्चित हो ही गया है, अब थोड़ा साधना में ब्रेक दबा करके मेरे साथ पहले सुख भोगो सब प्रकार की, क्योंकि साधना नहीं करने के लिए उन, अच्छा दूसरा ऐसा नहीं कि वो अज्ञानी है, सीता जी का जीव भी ज्ञानी है, लेकिन उन्होंने ऐसा उकसाया और हैरान परेशान किया, मुझे खबर नहीं कि शायद प्रयत्न किया बहुत, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी ये उपसर्ग है कि अपनी आत्मस्थिरता को तोड़ने में
ऐसे भूतकाल के जो जिसके साथ संबंध थे अच्छे या बुरे, वो अपने को हैरान करने के लिए कोई प्रेम हो, इन्होंने प्रेम के कारण किया कि हमको साथ में साधना करनी, ये जल्दी मौत में जाए चले जाएंगे तो फिर मैं अकेले पड़ जाऊंगी, फिर मेरे को अकेले को साधना करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जिए साथ में मरना भी साथ में, स्वर्ग में पहले चले गए लेकिन मोक्ष नहीं जाने देंगे, ये देखने की बात है। तो कोई जिससे राग करते हैं उससे ही कितना भी प्रॉब्लम खड़ा होता है, ये सीधा निकल के ऐसा हो रहा है। रामचंद्र जी को ध्यान में जिगाने के लिए आत्मज्ञान, क्योंकि ध्यान में अगर रह गए श्रेणी लग गई तो केवल ज्ञान पक्का है, तो फिर उसी भाव लग जाएंगे, फिर तो स्वर्ग में आने का सवाल ही नहीं। इसलिए उन्होंने कोशिश किया तोड़ने की, ये उपसर्ग हुआ जो उन्होंने सीता में ही उनके ऊपर किया, और वो भी ज्ञानी होते हुए भी किया, एक आश्चर्य की बात है, लेकिन नहीं दिखे। ये बात मैं कहता हूँ उपसर्ग भय करे, गौर परिस के उपसर्ग भय करे, समझो। उपसर्ग नहीं भी हो तो भी जंगल में डर तो लगता है ना, हम जाके देखो जरा बात को 12 बजे जाओ किधर, तो डर नहीं लगता है कहीं से सांप आ जाएगा, सांप का ख्याल तो पहले आता है, कहीं गलती से अंधेरे में पैर पड़ गया तो लेने के देने पड़ रहे हैं, भाई हमको उसको देखना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें अंधेरे में पैर उसके ऊपर पड़ गया तो वो तो काटेगा ना, हमसे कम वो नहीं हो कुछ नहीं। तो भी अगर कोई बोले ना कि यहाँ भूत रहता है ये झाड़ के पास, और वहां से निकल के बता ना आपको मारा भाई, ये भूत माने क्या देव है, अंकी जाति के देव है, भूत चुड़ैल पिशाच ये जो राक्षस भी जो होते हैं, कितना जीव डरता है मालूम, उसकी परसाई नहीं होती है, वो घड़ी में अच्छा रूप लेकर के आती है, घड़ी में कैसा करती है, वो सब नाटक बताते हैं टीवी में, रियल में ऐसा होता है, ये कल्पना नहीं है, जैन शास्त्रों में लिखे हुए जो बना हुआ है उस पर से इन्होंने बनाया है, जो भी पिक्चर ये लोगों ने डेवलप किए हैं ये मारने के काटने के जिस प्रकार से और हैरान करने के जो बना है पिक्चर, ये सब जैन शास्त्रों में है। ये बात आपने प्रत्येक सांभली थी बात, हाँ सांभली बात क्या, अभी हमारे मुमुक्षु है मुंबई में, उनके शरीर में आती है कृपा की, बहुत हैरान रात को सोने देती नहीं है, तो गली बात हुआ अपने, अभी भी वो उसने पीछा नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं शिविर में नहीं आ सकूँगा, कृपा सोने देती नहीं है, एकदम हैरान हैरान कर देती है, चीसा चीस अंदर, वो किसी को आवाज सुनने नहीं देती, लेकिन ये इतना अंदर मकान में आवाज, मैं तुझे सुने सोने नहीं दूंगी, सोया तुम क्यों करके इतना हैरान करती है, वो नींद की गोलियां भी कोई असर नहीं करती है, 8-10 गोलियां खानी पड़ती हैं, अभी कोई असर नहीं करती नींद की गोलियां, 62-65 साल के भी, लेकिन बहुत हैरान हुआ है, 1.5 साल से 2 साल से पीछा छोड़ती नहीं है, क्या है उपसर्ग। तो ये देव जानवरों के उपसर्ग होते हैं, मनुष्यों को भी होते हैं, देवों को भी होते हैं, ये उपसर्ग। उपसर्ग नहीं भी हो तो भी हमको भय लगता है ना, उपसर्ग भय करे, भय के मारे हम साधना नहीं कर पाते, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम भय के मारे वो रास्ते पे जाना ही छोड़ देते हैं, तो नहीं भैया घर में ही रहो, लेकिन घर में ही दरवाजे बंद करके रहो, लेकिन वो आएगा तो दरवाजा तोड़ के आ जाएगा, नहीं आता अपने आप दरवाजा खुल जाता है, अपने आप सब होता है कि नहीं होता, उसको पकड़ के रख सकते हो, लेकिन जीव घबरा के भी इतना डर के मारे भी उसको आत्मस्थिरता नहीं होती है, उसका डर नहीं है, एक डरना तो किससे है कि आत्मस्थिरता नहीं हो तो उसका डर लगाना, इसके बदले में वो किससे डरता है, दूसरों जीवों के साथ, जानवरों के साथ, देवों के साथ, भूख प्यास का डर लगता है कि भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगा, प्यास ज्यादा लगेगी तो मैं क्या करूँगा, शरीर में रोग हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, हुआ नहीं है डर के मार, कोई बिच्छू काटेगा तो, सांप आकर के लपेट लेगा तो मैं क्या करूँगा, अरे भैया ऐसे अगर होते हैं ना तो जंगल में गया ही क्यों, इतना मौत का भी जिसको डर नहीं है ना वही जीव जंगल में जा सकता है साधना करने, इसके अलावा अंतर में गृहस्थाश्रम में भी अंतर में इतनी स्थिरता हो जाए कि सातवां गुणस्थान आवे, इसके बाद ही वो गृहस्थ ज्ञानी पुरुष जंगल में निकलते हैं।
अगर हमारे में बल नहीं है तो नहीं जाना, बल पैदा करने के बाद ही जाना है। कोई जनपाजी नहीं कि जल्दी मुनि मन के जल्दी मौत है, मुनि मनने से मौत नहीं जाओगे आप, अंतर की स्थिरता बढ़ेगी तो मौत जाओगे। और मुनि दशा क्या होता है कि जब अंतर की स्थिरता बढ़ती है तो मुनि दशा तो बाहर में ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक ये एक काम जो ये साधना जो चला के कर सकते हो, जब नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा, बोलूंगा नहीं चलूंगा नहीं, ये तो सब कृत्रिम था। अगर तो बात नेचुरल अंदर से आना चाहिए, और अंदर से नेचुरल आने के लिए आत्म साधना, आत्मस्थिरता बढ़ाना। आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए क्या करना है कि ज्ञानी होने के बाद भी निरंतर गुरु के शरण में रहना है, अपने सर्वभाव अर्पण करना है। गाइडेंस जब मिलती है तो गाइडेंस लेते क्यों नहीं, लेकिन ना काटे आता है वापिस, अपनी पोल खुल जाए वो डर लगता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं। लोग बोलेंगे कि तू ज्ञान दशा के बाद अभी भी ऐसा है, इसलिए खुद को शर्म आती है, लेकिन ये सब आपको ही नुकसान का कारण बनता है। गाइडेंस लेते रहोगे तो आपकी स्थिरता में बहुत भक्ति में स्थिरता में बहुत इजाफा होगा, तो ये पोजिशन अपने आप आएगी। ताकत से जाना होता है, कमजोर आदमी ऐसे साधना कर सकते, रात को 12 बजे नहीं निकल सकते घर से बाहर, तो क्या साधना करेंगे। तो गोर परिस के उपसर्ग भय करी आवी सके नहीं तेज कीर्ता नो, तो प्रभु जी से कहीं कनेक्शन लगा है कितना भी हैरान करो कनेक्शन नहीं टूटेगा, लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हो, कुछ भी करो परमात्मा के साथ कनेक्शन, हॉटलाइन पे बात चल रहा है, आप कितना भी आवाज करो कितना भी हैरान करो, पत्थरे मारो जला दो खा लो पी लो कुछ भी कर लो, हमारा कनेक्शन वहां से नहीं होता, इतनी ताकत बुनियाद में रहती है। ये फोर्थ नंबर का जो है कि गोर परिश्रम के उपसर्ग भय करी आवी सके नहीं ते आत्मस्थिरता नो, ऐसी जबरदस्त साधना मुझे आती है। आज अपने 8 लेक्चर में 4 टेंडर पूरे हुए।